बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 100x² - 20x + 1 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड में पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा होता है उस नंबर का लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 100। इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो यहाँ लगा देंगे प्लस। दूसरा स्टेप है एक्स के आगे जो नंबर लिखा होता है विथ साइन के साथ उसे लिखेंगे, तो विथ साइन के साथ क्या आएगा, -20। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो गुणा करने पे ए वाला नंबर आए और जोड़ने घटाने पे ए वाला नंबर आए। गुणा करने पे ए वाला नंबर, जोड़ने घटाने पे ए वाला नंबर, तो वो नंबर क्या हो सकता है, 10 10। 10 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 + 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर आया है इसे इस तरीके से प्लस माइनस करके लिखना होता है कि जोड़ने घटाने पे -20 आना चाहिए और गुणा करने पे +100 आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, -10 - 10, तो ये हो जाएगा -20। -10 × -10, तो ये हो जाएगा +100। यानी कि वो नंबर क्या होगा, -10 - 10, यानी कि मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे। तो इस वाली टर्म को ऐसे उतार लेंगे, 100x² - 20x को कैसे लिखेंगे, -10x - 10x। इस वाली टर्म को ऐसे ही उतार लेंगे, +1 = 0। इस दो का एक पेयर बनाएंगे, इस दो का एक पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 10x, क्या बचा, 10x, और यहाँ पर क्या बचा, -1। इस वाली टर्म में से क्या कॉमन मिल रहा है, 10x - 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा -1 = 0। ध्यान देना कि इस वाली पेयर में से कॉमन इस तरीके से निकालना होता है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है वही टर्म यहाँ पर भी ब्रैकेट में आनी चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप जो कॉमन लिए हो इस वाले ब्रैकेट से, इस वाली पेयर से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 10x - 1 को साथ में लिखेंगे, 10x - 1, और इसको 10x - 1 को एक साथ लिखेंगे, = 0। इस वाली टर्म को एक बार 0 के साथ इक्वेट करेंगे, इस वाली टर्म को एक बार 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो हो जाएगा 10x - 1 = 0। 10x - 1 = 0, तो ये हो जाएगा 10x = 1, ये हो जाएगा 10x = 1। यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 1/10। यहाँ से x = आ जाएगा 1/10। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, x = 1/10, x = 1/10। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके किस तरीके से रूट्स फाइंड आउट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।